सोशल मीडिया के बताओ डू यू फाइंड इट टॉक्सिक या डू यू थिंक कभी कभी इट गेट्स टू मच खासतौर पर खातन एक्ट्रेसेस के लिए uh. बहुत बहुत लंबी डिबेट है mm. सोशल मीडिया के बारे में यू नो अगर आप बात करें तो इसने नॉलेज बहुत प्रोवाइड किया है लोगों को यू नो बीइंग यू आप हैं आज़ाद अज, चाय वाला हैं आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को सिखा रहे हैं चीज़ें बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं जो कि हुआ एक्चुअली यू नो टीचिंग पीपल अ ऑफ थिंग्स अवेयरनेस के हवाले से बात हो जाए ट्रैवलिंग के हवाले से बात हो जाए कुकिंग हो जाए किसी भी तरह से लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मिली है लेकिन अगर हम बात करें ट्रोलिंग के बारे में तो हाँ इट गेट वेरी टॉक्सिक क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में कुछ भी बोल दिया वो आपने बोला किसी और कॉन्टेक्स्ट में होगा लेकिन आपकी तस्वीर के साथ जो हेडलाइन लगेगी हाँ, कि वो किसी और कॉन्टेक्स्ट हाँ, की लगेगी तो, तो आप लगे फिर सिर्फ जस्टिफाई करते रह जाते हैं कि नहीं मेरा कहने का मकसद ये नहीं था सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन की हमारे बहुत सारे एक्टर्स अब इंटरव्यूज देना उन्होंने बंद कर दिए हैं कि वो कहते हैं नहीं यार तुम हमारी बातों कुछ और ही बना के चला दोगे लेकिन एग्जैक्टली और भी बहुत ऐसे केसेस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्टर आवाज उठाता है तो लोग बोलने लग जाते तुम तो हमारी वजह से ही तो बने हो, और तो, अब तो, कर रहे हो तो ऐसा तो हमारी आम बंदा है ना उसके अंदर मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का शायद इम्पेक्ट ज्यादा है mm. क्योंकि अब अगर वो तुम्हारे अकाउंट पे जा रहा है या किसी और

उसके ज्यादा बल्कि कुछ कुछ मुल्कों में तो इंस्टाग्राम लाइक्स के नंबर्स ही खत्म हो गए इंग्लैंड हाँ, हाँ, में हाँ, क्योंकि लोग बड़ा डिप्रेस हो रहे थे बहुत ज्यादा उसकी तस्वीर हाँ। में दिने हजार लाइक्स आते और मुझे तो और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है अगर आपको किसी भी चीज के बारे में कोई भी अवेयरनेस चाहिए वहां पर मौजूद है mm. लेकिन अगर जब बात आ जाती है ट्रोलिंग की तो लोग बड़े ब्रूटल हो जाते हैं yeah. आपको बहुत संभल संभल के देख देख के बात करनी पड़ती है बिकॉज यू डोट नो के आवाम को कौन सी चीज ट्रिगर कर जाएगी सो आई डोंक लोगों के अंदर भी लेकिन थोड़ा सा एक पेशेंस उनको डेवेलप करना चाहिए यू नो एक मार्जिन देना चाहिए आपको इंसानों को क्योंकि वो भी एंड ऑफ द डे है तो इंसान ना वो भी गलती कर सकता है बट ट्रोलिंग भी मेरे ख्याल से साउथ एशियंस की इंडिया पाकिस्तान की ना ने कोई नेक्स्ट ही लेवल है उसका एक मेरी सिलेक्शन हो गई है हो गया। 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 <laughs> गया। <laughs> गया। <laughs> उसका हिट अलग है मेरे ख्याल से बाहर मुल्कों में आप इतने बड़े अगर ब्लंडर्स करते हैं ना तो उस तरह से ट्रोल नहीं होता है। नहीं। होता है लेकिन आपको पता चलता है कि यार अच्छा मीम

वो गाड़ी वाली, गाड़ी वाली। के उस पर इन्होंने डाला कि ना नई गाड़ी ली है ये वो वाली नहीं उसने टैग कर दिया तो लोग आए पहले तो आराम से कि मिठाई के पैसे तो दे दे हाँ ठीक है फिर उन्होंने बोला काली गाड़ी है लेकिन नजर तो काली गाड़ी को भी लग सकती है हाँ। नहीं उस... मैं उस दिन सनम को भी मैं यही बता रही थी कि सनम आ... एक तो जब आप वेकेशन पे जाते हो आप सारा साल इतना काम करते हो आप कहते हो यार चलो अभी थोड़ी लिए छोड़ देते हैं चीजें लेस यूज एंजॉय तो चौथे पाँचवें दिन मैंने कोई एक पिक्चर अपलोड की पहला कॉमेंट क्या आया इतने पैसे हैं तो आईएमएफ का कर्जा चुका दो हम तो बेचारे शुरू ही यहाँ से होते हैं ना कि मसाइल ही इतने हैं हमारे वो बहुत ही लरकिंग कर रही है ना पैसे दे दो हाँ। पैसे बस पैसे दे दो किसी इतनी को इतनी महंगी गाड़ी लिए तीन सौ डॉलर की बाइक ही दिला दें कन्वर्ट करके आ गए पूरा हिसाब लगाएंगे यूनिक कितने की चल रही है आजकल है बाइक दिला दें फिर उसने हाँ। बोला कि जब कोई रिप्लाई नहीं आया ना दो चार पांच छह दिन हो गए फिर उसने बोला कि

बंदा बन्द, बंदा या बंदी hmm. खासतौर पे लाइक like, मैंने जो नोटिस किया है एडमिट वेरी अनफॉर्चुनेट है, है, उनकेदाई मैं आपको एक बात बताऊँ uh, के मी एंड माई हजबैंड हम लोग अपनी प्राइवेट लाइफ इतनी ज्यादा पब्लिक uh, नहीं रखते hmm. वो हम दोनों का एक म्यूचुअल डिसीजन है या हम कंफर्टेबल hmm. फील करते हैं कि hmm. हम ना ही रखें तो बेहतर hmm. है सो so, लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दी फ्राम लिजट यूट्यूब चैनल के इनकी तो तलाक हो गई है oh. और इनके बीच में मसाइल आ गए हैं देन मैंने एक और इंटरव्यू में भी ये बात हाईलाइट की थी इंटरव्यू में जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था हिनाल ताफ के दो हो चुके हैं सो ऑल थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव चलो ठीक है आप मेरी शक्ल को बोल दो आप मेरे बालों को बोल दो बोल दो अच्छी नहीं लग रही हो मोटी लग रही हो पतली लग रही हो फाइन बट दीज आर थिंग्स विच आर वेरी पर्सनल एंड आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट थिंग्स सो आप इनको बार नहीं छेड़ सकते तो एट टाइम्स हम थोड़े से बॉदर हो जाते हैं कि यार ये लोग क्या क्या लिख रहे हैं क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ मेरी फैमिली से मुझे फोन आने लग गए कि ऐसा oh. ऐसा हुआ है ना मैंने कहा रहा, अगर होगा अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे ऑब्वियसली आई विल रीच आउट टू यू गाइज बट कोई लिमिट नहीं है बस वो यही ना ताक में बैठे हैं यार शादी को तरस हो गया गोद नहीं भरी तो यही हुआ होगा <laughs> लिख दिया और लाइक बिकॉज जुनेद भाई मुझे किसी ने कमेंट में क्या लिखा हुआ है कि बड़े अरसे से तीन साल होने वाले साथ हो कब छोड़ा है ये तुम्हें ओ या पीपल आर ब्रूटल पीपल आर ब्रूटल मतलब ये पता नहीं लोग कहाँ से मैं तो सोच भी नहीं सकती किसी के प्रोफाइल पे जाके ये लिखने हुँ, का हुँ. कि कब खत्म हो रही है ये अल्लाह माफ करे सैड सैड स्टोरी यार सैड स्टोरी बट आई थिंक यार आई कांट इवन रिलेट टू दीस थिंग्स मुझे तो कोई बोल के देखा है सर लेके घुस जाऊंगा मैं फोन के अंदर से घुस जाऊंगा <laughs> यार ये वैसे बड़ा फायदा है लोग नहीं बढ़ते हैं हमारे करते हैं गालम विल रिप्लाई टू दैट सर्टेन कमेंट वो सारे पेजेस उठा लेंगे उसका स्क्रीनशॉट शॉट चला जाएगा तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी भी हेट कमेंट को वो जगा दू मैं चाहती हूँ कि ठीक है जितनी पॉजिटिविटी उसको एनकरेज किया जाए उसको अप्रिशिएट किया जाए ताकि वो ही प्लस में जाए जिस दिन मैंने हेट कॉमेंट को रिप्लाई दे दिया तो वो तो इसी उसमें दिख करेंगे नया रिप्लाई आता है लाइफ भी बड़ी हो जाएगी Exactly. Exactly. हाँ. <coughs> हाँ. <coughs> तो मैं तो इतना घटिया रिप्लाई देता हूँ अगर देना हो हुँ. कि वो अच्छा बेस्ट फायदा पता है क्या होता है आप दस गाली आई ठीक है मैंने एक को लताड़ दिया ठीक है अब मेरे सारे फैन उसके पीछे पड़ जाएंगे अब मुझे कुछ नहीं करना हाँ. अब वो उसको गैंग अप करके मार देंगे तो ये आर्मी. बड़ा फायदा होता है आर्मी आर्मी है। करना दिवेल्णग दिवेल्णग है।, है।, है। मजा आता है अगर आपने एक क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया